ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसके लिए मेरे पुराना वीडियो में बहुत कमेंट आया था कि आपके जो हाइड्रोलिक जैक है उसको कैसे आपने बनाया, उसके ऊपर वीडियो बनाया। तो मेरे हाइड्रोलिक जैक अपडेट हो चुका है, छोटा सा था पहले, अभी बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये देखिए मेरा हाइड्रोलिक जैक एंडिंग में बनने के बाद मैं उसको टेस्टिंग कर रहा हूँ। और इसको देखिए गियर वगैरह खोलते हैं, अगर आप पावर टूल का काम कर रहे हो तो ये जो जैक की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पिट के कोई भी काम कर नहीं सकते हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर फैन वगैरह काम कर रहे हो, नहीं तो आप पावर टूल्स की मशीन के काम कर रहे हो, या फिर मटर वगैरह बाइंडिंग या फिर बेरिंग फेरिंग जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास एक हाइड्रोलिक जैक नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये हाइड्रोलिक जैक को कैसे बनाते हैं वो उसका, तो ये जैक का डायग्राम में मैं आपको समझ देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, मैं जो हाइड्रोलिक जैक बनाऊंगा तो ये इसका डायग्राम है। तो इसमें जो मेटल यूज होगा तो वो 4 इंच का सी शेप का एंगल आपको 10 फुट की जरूरत होगा, और 6 इंच का सी शेप एंगल 2 फुट की जरूरत होगा। और एक आप मैनुअली जैक यूज कर सकते हो, नहीं तो हाइड्रोलिक जैक यूज कर सकते हो। तो यहाँ से सबसे बेस्ट नीचे देखिए, ये इसका बेस में बनाया हूँ, तो ये 6 इंच का सी शेप एंगल में ये 2 फुट का रहेगा, मतलब 26 इंच। और ऊपर में से मैं आपको 26 इंच रखना है, बट ये आपको 4 इंच का सी शेप में रखना है। और दोनों साइड में आपको जो साइड सपोर्ट रहेगा आपको लगभग 2.5 फुट के आसपास रखना है मिनिमम, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तो फिर आपको कोई भी शाफ्ट बिठा सकते हो, तो आर्मेचर में कुछ लगा सकते हो, बेरिंग वगैरह, तो थोड़ा एडजस्टिंग हो जाएगा, थोड़ा स्पेस रहेगा। तो यहाँ पे आपको 2.5 फुट रखना है, मतलब यहाँ पे मैं 30 इंच रखा इसमें रखा हूँ मैं, और सेंटर में आपको 20 इंच, ये देखिए 20 इंच रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये 26 इंच रहता है और यहाँ पे 2 इंच कट जाएगा, यहाँ पे 2 इंच कट जाएगा, तो सेंटर में आपका 20 इंच रहेगा। और ये है आपका हाइड्रोलिक जैक, तो यहाँ से ये होल्डिंग होके जो नॉट बोल्ट रहता है वो फिटिंग कर सकते हो। तो सब कुछ आपको प्रैक्टिकली मैं वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए वो वीडियो को देखते हैं जो इसको बनाते हैं कैसे। तो मैं आ चुका हूँ मेरे पास की एक वेल्डिंग दुकान में, और यहाँ से मैं आपको जैसे बताया सी शेप का 6 इंच सी शेप का एक एंगल लेंगे, जो चैनल बोलते हैं उसमें आपको 22 इंच का एक बेस लेना है नीचे वाला, ये सबसे नीचे वाला रहेगा कि थोड़ा, इसलिए थोड़ा मोटा ले रहा हूँ, मतलब 6 इंच का ले रहा हूँ, तो ये 22 इंच से थोड़ा बड़ा है, तो ये 4 इंच हमको कटिंग करना है। तो गैस के माध्यम से, जो गैस जो रहता है उसके माध्यम से हम उसको कटिंग कर लेंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 2.5 फुट का दो जो बेस रहता है, सपोर्ट जो रहता है वो लेंगे, तो 2.5 फुट में हम मार्किंग करके उसको भी काट लेंगे। ओके, तो इसको भी हमको काट लें, मतलब दोनों साइड में जो रहता है। तो यहाँ से दो साइड जो सपोर्ट रहता है उसको हम काट लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी ये थोड़ा बैंड ना हो, पूरा बराबर आपको करना है। एंडिंग में हम इसको वेल्डिंग करने के बाद उसको हम टेस्ट चेक करेंगे कि ये सही हुआ या थोड़ा बहुत बैंड है। थोड़ा भी बैंड होगा तो आपका दिक्कत करेगा, ये काम का नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम आएगा। पूरा प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जो बेस जो लिया था 26 इंच का, इसको हमको थोड़ा क्लीन कर लेना है, ताकि जो दोनों साइड में साइड सपोर्ट दूँ तो वो टेढ़ा ना हो। तो यहाँ से थोड़ा हम पीट लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमको इसमें रखना है, और पूरा आपको सेंटर में बराबर इसको रखना है। ओके, तो ये 4 इंच का है, और देखिए नीचे में 6 इंच का यूज कर रहा हूं, और जितना भी यूज करूंगा वो 4 इंच का रहेगा। आपको ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 इंच का
जो आपका चैनल है ये आपको 10 फुट की जरूरत होगा और 6 इंच का जो चैनल है जो नीचे बैठा हूँ वो 2 फुट की जरूरत होगा। यहाँ से मैं मेजरमेंट करके मेरा जो भाई है यहाँ पे जो काम कर रहा है तो वो मेजरमेंट करके इसको बिठा रहा है और मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये दोनों जो साइड सपोर्ट जो ऊपर ये जो मैं होल्डिंग यहाँ पे हो रहा है तो ये 2.5 फुट का है, नीचे आपको ये 2 फुट का है और दोनों साइड में ये साइड सपोर्ट जो रहता है ये देखिए दोनों कटिंग में क्या था तो ये 2.5 फुट का है। आप कोई भी वेल्डिंग दुकान में जाके आप गाइड करके आप कर सकते हो और ये पूरा हैवी मैं बनाऊंगा। ये मतलब इसका मतलब देखिए अगर आप बनाओगे तो सस्ता में हो सकता है। ये दोस्तों ये जो इसका जो वेट लगभग आपको 50 kg के आसपास रहेगा तो ये आपको 5000 के आसपास खर्चा में हो जाएगा जो बहुत हैवी होगा। इसमें आप हाइड्रोलिक जैक नहीं तो मैनुअली जैक यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं बट प्रॉपर तरीके से काम करेगा। सेंटर में अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ देना है एडजस्टिंग करने के लिए वो भी आप देख सकते हो बट मैं पूरा जो 6 इंच का रहता है उसमें ही काम करूँगा। सेंटर में मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं 2.5 फुट का ही किया हूँ और कोई ज़रूरत नहीं है सेंटर में और कुछ एक्स्ट्रा बेस देने के लिए। सेंटर में एक ही बेस रहेगा जो ऊपर नीचे प्रेस करने के लिए रहेगा। ओके दोनों आपको बराबर उसको वेल्डिंग करना है सेटअप करके। मेजरमेंट जरूरी है, मेजरमेंट जरूर कीजिएगा। 1-2 mm फर्क होने से भी आपका फर्क पड़ेगा। आप कोई भी शार्ट बिठाओगे गियर बिठाओगे तो प्रॉब्लम नॉर्मली आप कोई भी मार्केट में जाके कोई जैक जो बेस्ट रहते खरीद लिख के लाते हो वो कुछ दिन के बाद वो बेंड हो जाता है, खराब हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, आप पूरा परफेक्ट तरीके से अगर काम करोगे हैवी वाला बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके नीचे जितना इंच का रहेगा ऊपर भी उतना इंच का रहेगा, मतलब एमएम भी उतना रहना चाहिए। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है उसको भी दोबारा एडजस्ट कीजिएगा। ओके हम ऊपर वाला जो बेस है वो भी हम अभी उसको कटिंग करेंगे जो 26 इंच का रहेगा। नीचे जो 6 इंच का जो आपका एंगल हो गया मतलब चैनल में नीचे जो 6 इंच का चैनल जितना आप रखे हो उतना आपको ऊपर भी रखना पड़ेगा। ओके इसको भी हम कटिंग करेंगे, ये 26 इंच का है मतलब 2 फुट का है, इसको भी हम गैस के माध्यम से कटिंग कर लेंगे। ओके तो यहाँ पे ये कटिंग हो गया, ऊपर हम रखेंगे और थोड़ा आप ग्राइंडिंग भी कर सकते हो चारों तरफ। सब कुछ दिखाने में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप खुद कर सकते हो। अगर कुछ नॉलेज है वेल्डिंग के ऊपर तो आप खुद घर में बैठ के मटेरियल ऑर्डर कीजिए, मार्केट में जाके खरीद के लाइए और बनाइए। ओके तो ये पूरा फटाफट हम उसको वेल्डिंग करके फाइनल उसको फिक्स कर लेंगे और फाइनल जो ओल्डिंग रहता है वो बाद पूरा एंडिंग में करना है। कभी कभी क्या होता है आपको एडजस्टिंग भी करना पड़ता है, फिक्स मत कीजिएगा, नॉर्मली आप थोड़ा ओल्डिंग कर लीजिएगा। देखिए सब ओके तो यहाँ पे हमारा बेस बन चुका है। अभी हम थोड़ा मेजरमेंट करेंगे सब कुछ बराबर है या नहीं है। यहाँ पे बराबर है सब कुछ, सब
भैया ने यहाँ पे थोड़ा आइडिया यूज करके इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये या कोई दिक्कत है इसमें? तो इसके बाद अभी इसको हमको होल्डिंग कर लेना है, क्योंकि हम इसको उल्टा करके हम ऊपर में उसका जैक लगाएंगे, ये बैंड भी हो सकता है, इसलिए हम नॉर्मली होल्डिंग मार लेंगे जैसे ये बैंड ना हो। সেই হিসাবে মারিও সমারি ওই মিলি হলো কোন কোন দিয়ে দিয়ে মারিও পছে এটা কাটি দিও সেটা গোটা হ্যাঁ বাস ओके तो अभी हम इसमें मैं मैनुअल जैक यूज कर रहा हूँ, आपको अगर जो पसंद है आप हाइड्रोलिक जैक यूज कर सकते हो, मैनुअल जैक यूज कर सकते हो। नॉर्मल से चीज है, मैं यहाँ पे मैं मैनुअल जैक यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है, वो हाइड्रोलिक जैक मुझे पसंद नहीं है, आप के हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके चार्ज के हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास मैनुअल जैक है और इसमें मैं होल करूंगा और ऊपर ये देखिए उल्टा मैं उसको बिठाओगे या नीचे हम करेंगे, ये देखिए तो यहाँ से हम होल करके उसको लगाएंगे। चार ठो आपको नट बोल्ट इसमें लगाना है, तो यहाँ से मैं मार्किंग, यहाँ पे मार्किंग हो रहा है, मार्किंग होने के बाद इसमें होल किया जाएगा। तो यहाँ पे होल हो चुका है और नीचे भी हम ये देखिए जैग में होल हो गया है और नीचे भी हम ऐसे मेजरमेंट करके जीआई में भी हम होल कर लेंगे, चैनल में यहाँ पे भी होल हो चुका है ये देखिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंटर में जो आपका जैक के ऊपर लगेगा, जो ऊपर नीचे होगा मेजरमेंट करके इसको हम काटेंगे और ये आपका दोस्तों 20 इंच का रहेगा, क्योंकि हम आउटसाइड 22 से 26 इंच का बनाए हैं तो सेंटर में रहेगा तो वो 20 इंच का रहेगा, दोनों साइड में दो दो इंच कटिंग हो जाएगा तो सेंटर में ये 20 इंच का रहेगा। और यहाँ पे हम ये जो जैक के ऊपर भी हम ऐसे एक जीआई को होल्ड करके इसको भी हम ओल्डिंग करेंगे ताकि ये नीचे वाला जो 20 इंच का हम जीआई कटिंग किए हैं एंगल इसमें हम लगाएंगे ये देखिए। तो यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे पूरा टाइट कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे उसको, नीचे से हम नॉट बोल्ट जो सिस्टम है इसको फाइनल फिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा एमएम में भी आपका दिक्कत हो सकता है, फर्क पड़ सकता है, बर्बाद सब कुछ हो सकता है, तो ध्यान दे के काम कीजिएगा। तो ये दोस्तों मुझे लगभग 4 घंटा के आसपास लगा इसको बनाने के लिए, ऐसे ही एक दिन बर्बाद हो गया मेरा। तो यहां से जो अंदर में जाएगा तो इसीलिए आपको
प्रॉपर तरीके से इसको परलिस करना है ताकि ये पूरा प्रॉपर तरीके से इसके सेंटर में अंदर काम करे। ये दोस्तों 20 इंच का रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो सेंटर में रहेगा। ओके, तो ये 20 इंच का हम कटिंग कर लेंगे, कट कर चुके हैं और इसको पॉलिश भी कर चुके हैं और थोड़ा बहुत उधर उधर इधर होने के बाद हम इसको भी पॉलिश कर लेंगे ताकि फिक्स होके, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपर होना चाहिए। और इसको दोस्तों बेड क्रस्ट मेंबर बोलते हैं और ये थोड़ा बहुत टाल रहता है, नहीं रहेगा तो फिर ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, तो ये इसको हम उल्टा बिठाएंगे, ऐसे बिठाएंगे। देखिए भाई ने गलत बिठाए थे तो ऐसे हम बिठाएंगे और इसको बिठा के नीचे से हम इसको फिक्स करेंगे, नॉट बोल्ट सिस्टम करेंगे। तो इसके लिए हम जैक में भी एक जीआई को होल्डिंग करेंगे, जो हम चार होल लगा के होल्डिंग करके इसमें इसको फिटिंग करेंगे ताकि अगर मैं फ्यूचर में कभी भी उसमें मैनुअली निकाल के हाइड्रोलिक जैक लें तो वो स्क्रू को निकाल के, नॉट बोल्ट सिस्टम को निकाल के हम दोबारा हाइड्रोलिक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा और मतलब पॉलिश करना चाहिए था तो इसलिए पॉलिश किया था। ओके, तो यहां से ये पूरा प्रॉपर तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। 2 से 3 mm फर्क मतलब ढीला होना चाहिए ताकि ये पूरा स्मूथली ऊपर नीचे हो सके। अगर ये दोनों साइड में जो चैनल में अगर टच होगा तो फिर ये आप थोड़ा टाइट हो जाएगा, स्मूथली नहीं ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 2-3 mm दोनों तरफ से छोड़ के आप उसको पॉलिश कीजिए, पूरा स्मूथली जा रहा है। अभी दोस्तों इसको ऊपर में हम एक ये देखिए कटिंग करके मैं रखा हूँ, 4 इंच 4 होल हुआ है इसमें और इसको हम 4 इंच किए हैं। ओके, तो ये लंबा 4 इंच हुआ है, इसको भी थोड़ा पॉलिश कर लेते हैं। ओके, तो इसको भी आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए कहीं पर भी ये बेंड ना बिठे, टेढ़ा ना बिठे। अगर बेंड हो जाएगा तो थोड़ा सा भी 1-2 mm ऊपर नीचे होने से ही दिक्कत होता है, हो जाएगा प्रॉब्लम। ओके, तो इसको भी आपको होल्डिंग करके नीचे से फिक्स कर लेना है और यहाँ पे थोड़ा मेजरमेंट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से बैंड बिठना नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा तो आपका जितने भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर 2-3 mm बैंड हो जाएगा तो फिर आप कोई भी स्पिंडल बिठा लो, कोई भी गियर बिठा लो,
वो ज्यादा चांस रहता है वो बैंड कर लेगा। ओके तो अभी इसको होल्डिंग किया जा रहा है। तो आप कोई भी होल्डिंग दुकान को जाके मेरे वीडियो देख के आप गाइड कर सकते हो, वो ऐसे ही आपको बना कर देंगे। ओके तो ये पूरा मैक्सिमम है। ओके मुझे यहाँ पे स्पेस 1.5 फुट के आसपास चाहिए, 1.5 फुट हो जाएगा तो मुझे काम बन जाएगा, कोई और दिक्कत नहीं। तो सेंटर में अगर आपको एक्स्ट्रा और लेयर देना है और एक बेस करना है तो आप कर सकते हो, जिसमें आप एडजस्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हो, जिसमें आप छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा नॉर्मल ये कर सकते हो। बट इसमें ज़्यादा आप दगा होगी तो वो थोड़ा बैंड होने की चांस रहता है, इसलिए मैं पूरा वो 6 इंच का नीचे जो रहता है एंगल जो आपका चैनल रहता है उसमें मैं सब कुछ काम करूँगा। और दो थोड़ा मटा जो लकड़ी वगैरह आप यूज कर सकते हो उसको थोड़ा ऊंचा करने के लिए, तो यहाँ से भी होल होगा। ओके तो यहाँ पे हम पॉन्च मार के उसको होल करके ले आते हैं। ओके तो इसको हम होल करके लाके हम इसको फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से नीचे से आपको बेस्ट चाहिए हम उसको कोई भी प्रेस करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से ये मिला मुझे। तो ये भी आपको 3 इंच से 4 इंच के आसपास रखना है, 5 इंच भी आप रख सकते हो। तो इसको हम नट बोल्ट के माध्यम से उसको फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से हम उसको सेंटर में रख के होल्डिंग कर लेंगे। इसको भी आप मेजरमेंट करके, इसको भी हम अपने होल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप इसको मेजरमेंट जरूरी है, अगर थोड़ा सा भी बेंड हो जाएगा तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे टाइम लगा सब कुछ ठीक करने के लिए, अगर कहीं पे भी ये बैंड हो गया है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये मैं बना के देना चाहते हो, अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये इसमें शिपिंग खर्च लग जाएगा, नहीं तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको बना के दे सकता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हम होल्डिंग कर लेते हैं इसको।
ओके, तो यहाँ पे ये होल्डिंग हो चुका है। तो यहाँ से हम मतलब 1.5 इंच के आसपास ये जो बेस सेंटर में दिया हूँ, तो इसमें आपको चारों तरफ कटिंग करके यहाँ पे होल्डिंग करना है, ताकि साइड में ये आगे पीछे ना हो, ये फिक्स हो जाए उसी के ही जो सेंटर में वो ऊपर नीचे हो, तो इसीलिए इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पे उसको होल्डिंग करना पड़ेगा, चारों तरफ चार टॉन को यहाँ पे लगाना है। पहले की तरफ ओके, तो यहाँ पे ये काम बन चुका है। यहाँ पे ना साइड में, दोनों साइड में कोई भी दिक्कत नहीं, आगे पीछे होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, तो ये हो रहा है प्रॉपर तरीके से काम करे। लास्ट यहाँ पे हमको लगाएंगे, और थोड़ा सा भी जो ऊपर साइड में हो रहा है हिल रहा है, वो भी हिलना बंद हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से वीडियो देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी पावर टूल्स का स्पेयर पार्ट चाहिए अब मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। टेक्निकल सीधा .in गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको मेरा वेबसाइट वहाँ पे भी अवेलेबल है, आप जाके परचेज कर सकते हो। इंडिया के हर एरिया में यहाँ पार्सल भी हो जाएगा। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, जितने भी हम इसमें काम किए हैं सब कुछ हमको फिक्स कर लेना है, होल्डिंग बार बार मारना है, कहीं पर भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी वीक हो जाएगा, जिस पॉइंट वीक हो जाएगा उसी पॉइंट में वो बैंड कर लेगा, क्योंकि कभी कभी हमारा 600 जो एंगल जो ग्राइंडर रहता है उसका स्पिंडल बहुत टाइट रहता है, कभी कभी ये बहुत खोलता नहीं है, तो इसलिए आपको हैवी चीज़ की ज़रूरत होगा। आप ऐसा चीज़ बनाइए ताकि कोई भी चीज़ खोल सके, इसलिए मैं इसको पूरा हैवी करके बनाया। तो यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोलिक जैक या फिर मेरा मैनुअली जैक यहाँ पे रेडी हो चुका है, और आप इसको कलर करके आप खुद की वर्कशॉप में आप बना के कोई भी बेरिंग वगैरह या फिर जैक में आप गियर वगैरह, स्पिंडल वगैरह, शाफ्ट वगैरह खोल सकते हो, बिठा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोस्तों मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ, और कोई भी गियर को खोल के मैं आपको दिखा लेता हूँ, वीडियो के पहले से भी आप देखे हो, उसी को भी मैं एंडिंग में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, तो सेंटर अंदर में भी उसको होल्डिंग कर लेते हैं, ये छोड़ गया था, तो चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं और रिजल्ट देखते हैं।